चलिए बाबू है ना, देखिए बाबू, देखिए 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 वो क्या बाबू, हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू, हम आपको क्या पढ़ा, मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना। हम आपको चैप्टर कौन सा पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग है ना। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग बाबू, तो आपको बताया था वो मैटर मेरा किस छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ बाबू है ना, ठीक है ना, ये बताया था वो। फिर मैटर के बीच में क्या होता है, वो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है ना बाबू। उसके बाद क्या बाबू है ना बाबू, मैटर कितने प्रकार का होता है, क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन सर, फिजिकल क्लासिफिकेशन, किसका सर, मैटर का। तो तीन टाइप में बांटा गया, ऐसे पांच टाइप में बांटा गया है ना, एक प्लाज्मा, एक बीज है। तो हम लोग जनरली बाबू तीन वो का बाबू कंपेरिजन स्टडी करेंगे, फिर उसके बारे में बता देंगे। तो तीन वो कौन है सर, सॉलिड है सर, लिक्विड है सर, और मेरा कौन है सर, गैस है। तीन स्टेट है ना मैटर का सर, हाँ सर, तीन वो स्टेट है सर, सॉलिड, लिक्विड, गैस है ना, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पहले प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सॉलिड के बारे में है ना, जैसे सॉलिड के, जैसे ये मार्कर हो गया सर, तो ये मार्कर क्या मेरे बाबू, सॉलिड है, ये मार्कर क्या है, सॉलिड है ना, सॉलिड है ना बाबू। तो इसका प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे है ना, जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे सॉलिड का है ना। उसी प्रकार बाबू किसका पढ़ेंगे, लिक्विड का जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विड के जनरल प्रॉपर्टीज, फिर गैस के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर बी से पढ़ देंगे, प्लाज्मा पढ़ देंगे, क्वेश्चन करवा देंगे, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नाइन्थ में कोई ज्यादा है लोग, जो कोई ज्यादा ताम झाम है, तीन स्टूडेंट है, सतीश गायब है, एक सुरुति गायब है, और एक बाबू मेरा वो गायब है, धर्मवीर गायब है, तीन गायब है ना। तो पहला बाबू क्या बाबू, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बाबू कौन सा, पहला शेप पॉइंट वैल्यूम है ना बाबू, शेप पॉइंट वैल्यूम मतलब सर जो सॉलिड है वो उसका शेप कैसा होगा सर, उसका वैल्यूम कैसा होगा, उसका वैल्यूम कैसा होगा, उसका वैल्यूम कैसा होगा है ना, वैल्यूम कैसा होगा है ना बाबू, वैल्यूम कैसा होगा है ना, ठीक ठीक बाबू। तो देखो बाबू शेप बाबू, शेप मतलब देखने में बाबू, देखने में बाबू, देखने में कैसा वो होता है ना। तो जो भी सॉलिड है बाबू, जो भी सॉलिड है उसका जो शेप है बाबू क्या होता है, डिफिनिट शेप होता है, मतलब एक फिक्स शेप होता है। शेप और वैल्यूम उसका क्या होता है बाबू, फिक्स होता है। जैसे ये मेरा सॉलिड है, ये मार्कर क्या है, वो मेरा सॉलिड है, तो इसका एक डिफिनिट शेप है ना, वो डिफिनिट शेप है, मतलब इसका क्या है सर, एक सर्टेन लेंथ है ना, वो सर्टेन लेंथ है, सर्टेन क्या, वो सिलेंडर शेप है। इसका शेप अगर कहेंगे तो कैसा, सिलेंडर शेप है, तो एक डिफिनिट शेप है। और इसका कुछ क्या होगा, वैल्यूम होगा, इसका कुछ वैल्यूम होगा है ना, इसका कुछ क्या होगा, वैल्यूम होगा। वैल्यूम क्या होता है सर, वैल्यूम क्या होता है, कोई भी चीज बाबू, कितना वो रीजन को ये कि कितना स्पेस को बाबू, म्यूट कीजिए बाबू मेरे, वैल्यूम क्या होता है सर, वैल्यूम क्या होता है ना बाबू, वैल्यूम क्या होता है। तो कोई भी चीज बाबू कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैल्यूम कहते हैं। कोई भी चीज बाबू कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे, वैल्यूम कहेंगे है ना। जैसे मान लो बाबू ये मेरा कोन है ना, कोन है, तो इसमें मान लो कुछ डाल दो, इसमें कुछ डाल दो, इसमें कुछ डाल दो है ना, तो इसका कितना रीजन कवर करेगा वही सबस्टांस का क्या कहलाएगा, वैल्यूम कहलाएगा। जैसे मान लो बाबू, मान लो ये मेरा क्या प्रिज्म इस कोन में डाल दिया है ना, तो बाबू प्रिज्म का वैल्यूम कितना होगा सर, तो छोटे ऐसे करके डालो है ना, ऐसे करके डालो, तो कितना रीजन सर ये कवर किया बाबू है ना, कितना रीजन, कितना जगह छेका, कितना जगह छेका है ना, कितना जगह छेका थ्री डायमेंशन में है ना, तो वही क्या कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, वैल्यूम कहलाएगा, वैल्यूम कहलाएगा है ना बाबू, वैल्यूम कहलाएगा कि नहीं है ना, वैल्यूम कहलाएगा है ना, या इसका वैल्यूम निकालना, तो इसका वैल्यूम निकालना, तो इसको पूरा कोई सबस्टांस से भर दो, कोई समस्टान से भर दो है ना बाबू, है ना बाबू, जितना इसका ये वैल्यूम निकालते, ये क्या होगा, इसका वैल्यूम होगा, तो इसमें जितना सबस्टांस अटेगा है ना, मान लो मैं ये पॉपकॉर्न भर दो खाते रहो, तो जितना पॉपकॉर्न अटेगा वही क्या कहलाएगा, इसका सर ये बाबू, ये कौन का क्या कहला देगा, वैल्यूम कहला देगा, कौन का क्या कहलाएगा, वैल्यूम कहलाएगा, वैल्यूम कहलाएगा ना, ठीक है। तो जो भी सॉलिड होते बाबू, जो भी सॉलिड होते बाबू उसका क्या होता है शेप, उसका शेप मतलब बाबू उसका शक्ल है ना बाबू, उसका वैल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता ना, चेंज नहीं होता है ना। क्यों नहीं चेंज होता बाबू, क्यों नहीं चेंज होता सर, शांति समझना, क्यों नहीं चेंज होता बाबू। प्रखर बाबू, अस्मिता, इस शैतान ऑन कीजिए ना बाबू, बार बार सिस्टम पे मैसेज है, अस्मिता वीडियो बंद, प्रखर वीडियो बंद, प्रखर वीडियो बंद, मेरा उधर ही देखते रहते हैं ना। चलो ठीक है, ठीक बाबू। तो क्यों नहीं सर, इसका जो वैल्यूम और शेप है बाबू क्यों फिक्स होता, क्यों फिक्स होता, क्योंकि बाबू, क्योंकि बाबू है ना बाबू, इसके जो पार्टिकल है सॉलिड के, जो पार्टिकल कल बताया था बाबू, सॉलिड के जो पार्टिकल है बाबू, सॉलिड के जो पार्टिकल है वो क्या होता, इसके पार्टिकल में वाइब्रेशन होता, वाइब्रेशन होता, वाइब्रेशन होता, मतलब क्या सर बाबू, सॉलिड का पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है। कल आपको वीडियो दिखाया था ना वो सॉलिड लिक्विड गैस का, तो लिक्विड वाला पार्टिकल क्या होता है, वो लिक्विड वाला पार्टिकल बाबू मान लो यहाँ पे है, लिक्विड वाला पार्टिकल मेरे लाल, लिक्विड वाला पार्टिकल मान लो बाबू एक छोटा सा ये ले लो, तो यहाँ वाला पार्टिकल मूव होकर यहाँ जा सकता है, यहाँ वाला पार्टिकल मूव होकर यहाँ जा सकता है, यहाँ वाला पार्टिकल मूव होकर यहाँ जा सकता है। लेकिन जो सॉलिड में पार्टिकल बाबू, जो सॉलिड में पार्टिकल है मेरे लाल, जो सॉलिड में पार्टिकल है ना, जो सॉलिड में पार्टिकल बाबू, वो वाला पार्टिकल यहाँ मूव होकर यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ वाला पार्टिकल मूव होकर नहीं जा सकता, ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, मतलब आगे पीछे थोड़ा सा ऐसे 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 हिलते डुलते रहेगा, वाइब्रेशन होते रहेगा है ना,
है ना, वही बाबू वाइब्रेशन होगा, क्या होगा, द सॉलिड पार्टिकल कैन नॉट मूव अवे बाबू अवे या क्लोजर टू ईच अदर, है ना, ना ही एक दूसरे से दूर जाएगा ना ही एक दूसरे के नजदीक आएगा, है ना, क्यों सर, क्योंकि बाबू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, सॉलिड में ज्यादा होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, फोर्स ज्यादा होता है तो पकड़ के कस के रखे, कस के पकड़ के रखेगा तो जाने नहीं देता, खाली हिलने देगा, हिलने देगा, है ना, हिलने देगा, जाने नहीं देगा, हिलने देगा, हिलने देगा, ऐसे करके हिलते रहेगा, हिलते रहेगा, है ना, तो वही लिखा बाबू। और जब पार्टिकल हिलेगा बाबू, जब पार्टिकल हिलेगा तो हिलेगा तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाइब्रेट कहेंगे, है ना, तो पार्टिकल जब वाइब्रेट करेगा तो धीरे धीरे हिलेगा तो उसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है ना बाबू, है ना बाबू, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लेस होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना बाबू, मोशन के कारण जो एनर्जी ऑब्टेंड होता है किसी भी बाबू, है ना, किसी भी बाबू पार्टिकल में मोशन के कारण जो एनर्जी आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मेरे लाल बाबू, नारायण, नारायण बाबू, एन नारायण, शैतान, अच्छा इसका मतलब, बार बार बाबू दूसरा ऐप में क्यों शिफ्ट होते बाबू, दूसरा ऐप में बार बार क्यों ओपन करते नारायण, ठीक, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, वो हाफ एमवी स्क्वायर होता है, तो जितना वेलोसिटी कम रहेगा, वेलोसिटी कम रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा, तो सॉलिड में पार्टिकल बाबू, सॉलिड में पार्टिकल बाबू सिर्फ खाली वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कम होता है ना, है ना बाबू, और उसी के कारण मेरा क्या होता है, वो इसका जो शेप होता है, सॉलिड का जो शेप होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है ना, सिर्फ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। यहाँ एक टर्म है बाबू मीन पोजिशन, मीन पोजीशन जानते हो बाबू, यहाँ एक टर्म है बाबू मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है बाबू, बता बाबू सौम्या, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है सर, बता दीजिए सर, मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है बाबू सौम्या, सिंपल पेंडुलम में होता है सर, सर जिस पोजीशन को हम लोग इनिशियल पोजीशन बोल सकते हैं, चलो ठीक है वो समझो, मीन पोजीशन थोड़ा सा समझ, है ना, देखो बाबू मीन पोजीशन क्या होता है, वो नॉर्मल स्टेट में, जैसे मान लो ये बाबू ये इस तरह से है ना, ठीक है, तो अभी नॉर्मल स्टेट में यहाँ पे बाबू है ना, नॉर्मल स्टेट पे यहाँ पे है ना, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ ले जाकर ऐसे छोड़ दो, तो बाबू इसी पोजिशन के ना बाबू, इसी पोजिशन के मान लो ये मेरा क्या था सर, मीन पोजिशन था, ये मेरा फिंगर मीन पोजिशन, हाँ, इसको बाबू रोटेट करोगे ऐसे ऐसे, तो मीने पोजीशन, ये फिंगर कहीं ना बाबू इधर उधर जा रहा है, फिंगर कहीं ना इधर उधर जा रहा है, फिंगर कहीं ना इधर उधर जा रहा है ना, फिंगर कहीं ना इधर उधर जा रहा है ना, तो ये मेरा जो नॉर्मल स्टेट में, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में है ना, इसको हम लोग मीन पोजिशन कहेगा, इसको इधर इधर वाइब्रेट कर दो, है ना, तो इसको क्या करोगे, जैसे इसको रोटेट करो बाबू, तो एक मीन, एक इसी स्ट्रिंग के अलोंग है ना बाबू, क्या जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे बाबू ये इक्विलिब्रियम रहता है, जहाँ पे एट रेस्ट रहेगा, उसी को क्या कहेंगे, मीन पोजिशन कहेंगे। तो जो भी बाबू सॉलिड का पार्टिकल है, सॉलिड का पार्टिकल है, मान लो सॉलिड का पार्टिकल, जैसे ये मेरा हैंड ऐसे स्टेट में, तो वाइब्रेट करेगा तो ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, वाइब्रेट होते रहेगा, है ना, तो नॉर्मल ऐसे है, फिर ऐसे गया, तो जो मेरा ऐसे वाला हाथ था, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल ये आपको सामने दिख रहा था, है ना, ये मीन पोजिशन से इधर चल गया, फिर इधर आ गया, तो हैंड मेरा ऐसे था ना बाबू, है ना, इधर आ गया, है ना, तो मीन पोजीशन क्या होता है, जिस पोजीशन के अलोंग बाबू कोई ऑब्जेक्ट क्या करा, ऑसिलेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट कर रहा, एक एक मैंने फिक्स पॉइंट के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे, मीन पोजीशन, है ना, तो जो भी सॉलिड है बाबू, जो भी सॉलिड है उसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है, वो फिक्स होता है, धर्मवीर बाबू ऑन कीजिए, शेप एंड वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, सेकेंड प्रॉपर्टी बाबू क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना, तो सॉलिड का बाबू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है शांत सीमा, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर होगा सॉलिड क्या हो जाए, मेरा मेल्ट हो जाए, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होकर क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे ना, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, जैसे प्लास्टिक है, इसको हीट करो, इस प्लास्टिक को हीट करो, हीट करते 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 एक टेम्परेचर आएगा बाबू, जब ये सॉलिड मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, मैंने इसको गलाओगे ना, गल जाएगा पूरा टेम्परेचर हीट करो, गल जाएगा, है ना, तो जिस टेम्परेचर पे बाबू, जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, मेल्टिंग मतलब मेल्ट हो जाना, मेल्ट मतलब पिघल जाना, है ना, पिघल जाना, है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट उसको कहेंगे, है ना, नेक्स्ट वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बाबू, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे बाबू है ना, वेपर प्रेशर है जो बाबू एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे नहीं समझना, इसको आगे लिखते हैं, जैसे बाबू मान लो बाबू आपका ये गिलास है ना बाबू, ये क्या बाबू पानी है, ठीक, अब पानी हो, इसको बॉइल करो, नीचे से बाबू बर्नर से इसको मान लो रखे हो किसी कंटे में, हीट हो रहा,
हीट हो रहा था जिस टेम्परे इसको टेम्परेचर करो वो टेम्परेचर करोगे तो ऊपर से बाबू क्या आ रहा है, एटमोसफेयर का भी प्रेशर है ना जी। एटमोसफेयर का प्रेशर कितना होता बाबू बताए, बाबू कौन बताए एटमोसफेरिक प्रेशर कितना होता है बताओ शुभ बाबू, शुभ पता सर। अरे मेरे लाल कितना होता शिवम बाबू एटमोसफेरिक प्रेशर, अरे बाबू हवा भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है ना बाबू, एयर का मॉलिक्यूल हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है लेकिन हम लोग उसको फील नहीं कर रहे हैं, कितना होगा शिवम, शिवांगी प्रखर बाबू आइए ओपन, आनंद बाबू वीडियो का बंद है शैतान, कितना होता एटमोसफेरिक प्रेशर बाबू, संजना ऑन कीजिए संजना बाबू, ये सब शैतान सुबह में सबको वीडियो बंद करने का ये दिक्कत होता है, चलिए बाबू ठीक। देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 760 होता है वह बाबू है ना, ठीक है ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 760 होता है 760 होता है 760 mmHg होता है एटमोस्फेरिक का प्रेशर है ना, ठीक है ना, नहीं समझ में आता तो छोड़ रहने दो बाबू, मान लो यहाँ पे 40.7 pounds per inch हाँ नहीं समझ में आता तो मान लो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल है चारों तरफ एयर मॉलिक्यूल है तो ये भी बाबू वाटर पे क्या लगा रहा है प्रेशर लगा रहा है ना, प्रेशर लगा रहा है ठीक है, तो इसको हीट करते करते इसको हीट करते करते इसको हीट करते करते जिस समय बाबू ये वेपर में कन्वर्ट होना हो जाएगा, जिस समय ये बाबू वेपर कन्वर्ट होता है होने लगेगा, पानी को हीट करोगे तो देखो ना बॉयल होगा गड़गड़ 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 की आवाज करेगा, कटोरी में पानी लेना उसको हीट करना है ना, तो जिस टेम्परेचर पे बाबू है ना ये वाटर बाबू है ना वाटर बाबू बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, तो जनरली बाबू बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है बाबू जो एटमोस्फेयर का प्रेशर रहता और जो बाबू इसका ये वेपर बनेगा ना वो पानी से वेपर बनेगा तो वेपर का जो प्रेशर होगा दोनों क्या होता है बराबर होता है, दोनों क्या होता है वो बराबर होता है सेम वैल्यू होता है ना, सेम वैल्यू होता है सेम वैल्यू होता है, ये ध्यान देना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है वो जो वेपर प्रेशर होगा जो वेपर प्रेशर जैसे पानी को गर्म करोगे तो वेपर प्रेशर बाबू पानी को गर्म करोगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट होगा और गैस हमेशा क्या लगाएगा प्रेशर लगाएगा, गैस हमेशा क्या करेगा प्रेशर लगाएगा है ना, प्रेशर लगाएगा ठीक, और बाबू हवा भी क्या कर रहा है प्रेशर लगा रहा है, तो जिस प्रेशर पे दोनों इक्वल हो जाएगा मतलब हवा का प्रेशर उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर, और ये बाबू पानी को गर्म किया था वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे ना, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे ठीक, ये समझना शैतान फ्राइ वीडियो बंद है इसमें आगे लिखेंगे आधा आधा लिखा है ना बाबू है ना बाबू, द टेम्परेचर वो एट विच बाबू इट्स वेपर प्रेशर इज बाबू वेपर प्रेशर इज बाबू, इसको आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे इसको है ना, वाधे ना बाबू स्टेटमेंट समझना सर, वेपर प्रेशर का पहले क्या लिखे सर, अरे मेरे लाल द बॉइलिंग पॉइंट बाबू बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करो बाबू, द टेम्परेचर बाबू एट विच बाबू इट्स वेपर प्रेशर इज इट वेपर प्रेशर इज, तीन गो बच्चा गायब है शैतान, सतीश है धर्मवीर है आ गए, आ गए शैतान तो दो गो गायब है सतीश है श्रुति है, चलिए बाबू नारायण बाबू इसके मम्मी फोन करना पड़ेगा, यस सर का है इतना वीडियो बंद होता बाबू, क्या दिक्कत कुछ है बाबू सर अभी वीडियो बंद कर दो, अरे मेरे लाभ ना ऑन किया बाबू बोलने पे ना ऑन किया, अभी फोन करते हैं सर अभी ऑन था, हाँ मेरे लाभ ठीक हो, इसके आगे लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे इसके आगे लिखेंगे है ना, इसके आगे लिखेंगे वेपर प्रेशर बाबू इज बाबू इज बाबू इज बाबू इज इक्वल टू इज 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 हो गया बाबू इज है इक्वल टू बाबू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर या बाबू एक्सटर्नल में हम लोग जनरली क्या लेंगे एटमोस्फेयर लेंगे एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये शिवानी काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू, शिवानी सर आपका वीडियो ब्लर हो रहा है, शिवानी बोली ठीक एटमोस्फेरिक एक्सटर्नल प्रेशर बाबू है ना बाबू टू बिकम लिक्विड ठीक है बाबू, अरे शैतान लिक्विड कर बाबू, जिस प्रेशर पे बाबू जिस प्रेशर पे बाबू जिस प्रेशर पे बाबू वेपर का प्रेशर जो बाबू पानी को गर्म करे उसका प्रेशर होगा है ना, गैस बनेगा तो प्रेशर आएगा ही बाबू है ना, प्रेशर आएगा और बाबू जो एटमोस्फेयर का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, हाँ बाबू सर टू बिकम लिक्विड नहीं होगा, नहीं मेरे लाल नहीं बाबू वो तो बाबू उसके लिए था ना बाबू, ये इसके लिए टू बिकम लिक्विड उसके लिए था ना बाबू, ये मेल्टिंग पॉइंट के लिए ठीक, तो बाबू नेक्स्ट
तो बाबू जो सॉलिड होता है, वो जो सॉलिड होता है, वो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, ज्यादा होता है किससे सर, लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में, है ना बाबू? क्यों सर? वही बाबू, वही कारण है बाबू। सॉलिड में बाबू मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा लगते हैं। तो मान लो बाबू कहीं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज्यादा लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा लग रहा है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है बाबू, ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है ना, ज्यादा टेम्परेचर। जैसे आयरन का पीस ले लो, उसको हीट करो, हीट करो तो बहुत बहुत ज्यादा हीट करोगे, 1600-1500 डिग्री सेल्सियस लेके जाओगे, तभी वो क्या करेगा, वो मेल्ट होगा, है ना, मेल्ट होगा, मेल्ट होगा ना, मेल्ट होगा। अब पानी को बाबू ऐसे हीट करो तो सौ ये पे जाकर बाबू ये होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है ना, फेज चेंज होना शुरू होता है ना। तो जो भी बाबू सॉलिड और लिक्विड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता, हाई होता है ना बाबू। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बाबू, है ना, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हम लोग सॉलिड का पढ़ रहे हैं ना, सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। द मेल्टिंग बाबू, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अस्मिता बाबू सो गई, अस्मिता नहीं सही बाबू, चलो लिखिए सो, बोले तो काहे नहीं समझ में आ रहा बाबू। नेक्स्ट बाबू डेंसिटी, नेक्स्ट डेंसिटी, डेंसिटी समझना, डेंसिटी क्या होता है बाबू, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बता दो शिवानी, कैडबरी टॉफी, डेंसिटी क्या होता है शिवानी, बता दीजिए बाबू, बोली शिवानी, शैतान सो गई, ए शिवानी, हाँ सर, शिवानी, हाँ सर, हाँ सर, वो हमको भी पता, हाँ सर, डेंसिटी क्या होता बाबू, बताते हैं सर, जल्दी जल्दी मेरे लाल, इतना देर, सारे बच्चे भी हैं बाबू। सर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब रखते हैं तो वो कोई डेंसिटी वगैरह, अरे रखते तो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको वॉल्यूम कहते हैं। बता दो बाबू, शर्मा जी ओरियो बिस्किट, शर्मा जी एक ओरियो बिस्किट बता दीजिए बाबू, आपके ओरियो बिस्किट की कसम, शर्मा जी, एस शर्मा, नींद में है, नींद में आके कूटते हैं, नींद में हो ना, नींद तोड़ते फिर आएंगे, फिर कूटेंगे। बताइए डेंसिटी क्या होता है शर्मा जी, नहीं शिवांगी, देखो शिवांगी क्या करे बाबू, काय गूगल खोल रही है शिवांगी, बहुत कूटेंगे, देखो ना शिवांगी गूगल खोल रही है, बहुत पीटेंगे बाबू। बता दो बाबू, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ सौम्या डेंसिटी क्या होता है। सर गूगल नहीं खोल रहा, सर एक मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम लीड्स टू डेंसिटी। अच्छा बताओ शिवान, सिर्फ से बोले बताइए डेंसिटी क्या होता है, जल्दी जल्दी मेरे लाल, जल्दी बता दो अस्मित, शिवम बाबू जल्दी, बाबू शिवम जल्दी बताए ना बाबू, शैतानी अभी कहाँ चल गया, शिवम चलो ठीक है बताओ, अस्मिता, अस्मिता वो बताइए डेंसिटी क्या होता है अस्मिता। सर सब्सटेंस का जो मास होता है सर उसके बेस पे डेंसिटी मतलब ऐसे लिखोगे, टेंथ में आएगा तो ऐसे लिखोगे, सब्सटेंस का जो मास होता है। चलिए बाबू सर, हाँ बाबू, सर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड इन मास ऑफ, सर द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड इन मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छी बात है, चलो ठीक है, आनंद शैतान वीडियो ऑन करो, आनंद कूट देंगे पकड़ के सबको, ठीक है ना, चलो ठीक है। देखो डेंसिटी थोड़ा समझना, थोड़ा डेंसिटी के बारे में हम लोग समझते हैं, डेंसिटी के बारे में समझते हैं ना, डेंसिटी के बारे में समझते हैं ना, ठीक है, समझना डेंसिटी के बारे में समझना है ना, डेंसिटी के बारे में समझना, ठीक है। डेंसिटी क्या, अरे सेताना बाद में लिखना, डेंसिटी क्या बताता बाबू, कॉम्पैक्टनेस बताता है, शांति से समझो, डेंसिटी क्या बताता बाबू, कॉम्पैक्टनेस बताता है, मतलब कॉम्पैक्टनेस, है ना, मतलब कहने का मतलब क्या सर, कहने का मतलब क्या बाबू, कोई भी सब्सटेंस बाबू कितना कॉम्पैक्ट है, कितना कॉम्पैक्ट कहने का मतलब क्या होता है, कितना कॉम्पैक्ट मतलब कितना वो ज्यादा बाबू, ये है एक दूसरे के क्लोज, क्लोज है किसके, एक दूसरे का सघन है, सघन कह सकते हैं ना, सघन कह सकते हैं, ठीक है ना, सघन कह, कितना बाबू एक दूसरे के, उसके पार्टिकल बाबू जो कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं ना, तो उसके पार्टिकल वो कितना क्लोज क्लोज है, कितना क्लोज क्लोज है ना, क्या होता है,
हाँ वो अरे मेरे लाल मांग शांति समझना है ना, जैसे बाबू जैसे कहने का मतलब क्या बाबू, एक रूम ले लो ठीक, मान लो एक क्लासरूम ले लिया है ना बाबू, मान लो वो 6x4 का 6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा है ना, इसमें बाबू मान लो स्टूडेंट बैठा हुआ है ना बाबू, ठीक बाबू मान लो बाबू 5x6 स्टूडेंट बैठा हुआ ठीक, 6 स्टूडेंट है, इतना ही लेंथ ब्रेथ का बाबू, इतना ही लेंथ ब्रेथ का बाबू दूसरा क्लासरूम लो 6x4 का है ना बाबू, 6x4 का ठीक, और इसमें बाबू मान लो 20 स्टूडेंट बैठा, कितना बैठा मेरे लाल 20 बैठा हुआ, 20 बैठा, समझना है ना, समझना ठीक, इसमें कितना स्टूडेंट बैठा हुआ मान लो 20 स्टूडेंट बैठा है ना, 20 स्टूडेंट बैठा कि नहीं, नहीं हो सकता बाबू है ना ठीक, माने इसके रिस्पेक्ट में है ना ठीक ठीक। तो बाबू देखो बाबू यहाँ पे क्या है, वो सेम स्पेस दोनों का क्लासरूम का क्या है बाबू, स्पेस सेम है, जगह सेम है ना, लेकिन बाबू इसमें बाबू क्या रहा बाबू, इसमें बाबू मॉलिक्यूल के बीच में या स्टूडेंट के बीच में गैप ज्यादा है, गैप ज्यादा है ना, मतलब यहाँ पे सर क्या है एक दूसरे के बीच में क्या है, गैप ज्यादा, गैप ज्यादा, और यहाँ ये दोनों क्लासरूम का बाबू साइज सेम है, जितना लेंथ है जितना ब्रेथ है ना बाबू, जो दोनों सेम सेम है ना, सेम सेम है, लेंथ ब्रेथ सेम है, और यहाँ पे बाबू क्या हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया बढ़ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो गया बढ़ गया, तो एक रीजन में बाबू, एक रीजन में बाबू, सेम रीजन में बाबू है ना, यहाँ पे क्या है सर कम्पैक्टनेस ज्यादा, मतलब यहाँ पे ज्यादा सघन है ना, मतलब बाबू यहाँ पे बाबू क्या होगा इसको सघन, मतलब बाबू एक दूसरे से कितना नजदीक नजदीक है ना, कितना क्लोज है, कितना क्लोज है ना, कितना क्लोज है ना, कितना क्लोज है ना, और यहाँ पे एक दूसरे से क्या है कम क्लोज है, तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू हाई डेंस कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे हाई डेंस कहेंगे, ये क्या हाई डेंस है ना, मतलब यहाँ पे बाबू, यहाँ पे बाबू सघन है ना, यहाँ पे बाबू हम लोग सॉलिड हाई डेंस होगा, अरे मेरे लाल हाँ मेरे लाल ठीक है, ये क्या बाबू हाई डेंस है, और ये बाबू थोड़ा सा कम डेंस है, थोड़ा सा कम डेंस है, थोड़ा सा कम डेंस है ना, इसी में इतना ही साइज का बाबू रूम ले लो, और इसमें बाबू मान लो इतना ही साइज का 6x4 का है, और इसमें दुइये गो स्टूडेंट बैठा, दुइये गो बैठा, तो ये अब क्या हो गया और कम हो गया और कम डेंस हो गया है ना बाबू है ना, तो वही बाबू मैंने मैंने डेंसिटी क्या बताता है कम्पैक्टनेस, कम्पैक्टनेस तो बाबू किसी भी बाबू मॉलिक्यूल, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूल कितना ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है ना, कितना ज्यादा एक दूसरे के नजदीक है ना, जितना ज्यादा नजदीक होगा मॉलिक्यूल उसको हम लोग कहेंगे उतना ज्यादा उसका क्या होगा डेंसिटी होगा, हाई डेंसिटी होगा, इसका ये हाई डेंस है बाबू, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या ये हाई डेंस है ना, इसकी डेंसिटी क्या है ज्यादा है, क्यों सर क्योंकि बाबू सेम सेम वॉल्यूम में बाबू, सेम स्पेस में बाबू, यहाँ पे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस क्या ज्यादा है, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें है ना ठीक है, सेम वॉल्यूम है ना, तो इसकी डेंसिटी क्या होगा ज्यादा होगा, इसकी डेंसिटी क्या होगा कम होगा, इसकी डेंसिटी और कम होगा, नहीं विश्वास होता शांति से समझना है ना बाबू, शांति से समझना है ठीक, प्रखर शैतान जैसे बाबू मान लो बाबू ये मेरे पास एक पीस है, ये है बाबू ये डब्बा है ठीक, ये प्लास्टिक का डब्बा है ना ठीक बाबू, और इतना ही शेप का बाबू, सेम शेप का बाबू आयरन का टुकड़ा ले लो, इतना ही मास का है ना बाबू, इतना ही यही शेप रहना चाहिए, यही शेप रहना चाहिए, मास डिफर भी हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है ना बाबू, तो इतना ही मास का हो, जब आयरन का टुकड़ा ले लो बाबू, आयरन का टुकड़ा ले लो, दोनों को क्या करो पानी में डुबाओ, पानी में डिजोल्व है ना, तो जो बाबू प्लास्टिक वाला रहेगा वो क्या हो जाएगा वो डूब जाए, ये बाबू फ्लोट करेगा, जो प्लास्टिक वाला रहेगा वो नहीं डूबेगा है ना, प्लास्टिक वाला नहीं डूबेगा, लेकिन आयरन का टुकड़ा डाल दोगे इसमें बाबू, आयरन का टुकड़ा डाल दोगे तो क्या हो जाएगा सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा, क्यों सर क्योंकि बाबू जो आयरन का टुकड़ा है बाबू, आयरन का टुकड़ा हाँ आयरन का जो टुकड़ा है बाबू उसमें जो मॉलिक्यूल्स है क्या एक दूसरे के नजदीक नजदीक है, एक दूसरे के क्या बाबू नजदीक, ज्यादा कम्पैक्टनेस है ना, ज्यादा कम्पैक्ट मतलब ज्यादा नजदीक नजदीक है, जैसे ज्यादा नजदीक नजदीक हो गया बाबू तो उसका डेंसिटी क्या हो गया बढ़ गया, उसका डेंसिटी बढ़ गया, जैसे डेंसिटी बढ़ जाएगा मेरे लाल, डेंसिटी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंक हो जाएगा है ना, सिंक हो जाएगा है ना, सिंक हो जाएगा है ना, वो सिंक हो जाएगा ठीक है ना बाबू, सिंक हो जाएगा है ना, सिंक हो जाएगा ठीक, वो सिंक हो जाएगा है ना, तो जो भी सॉलिड होते हैं बाबू, जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उसका डेंसिटी क्या होता है सर ज्यादा होता, क्यों ज्यादा होता है डेंसिटी सर, क्योंकि सॉलिड सब्सटेंस में वीडियो को दिखाया था ना, वो बोला वीडियो याद रखना, सॉलिड सब्सटेंस मॉलिक्यूल क्या होते हैं एक दूसरे से नजदीक होते हैं, सटे सटे होते हैं, सटे सटे होते हैं ना, सटे सटे होते हैं ना, तो सटे सटे होने के कारण बाबू क्या होता है सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है, किससे सर लिक्विड से और गैस से है ना, लिक्विड से और गैस से है ना, लिक्विड से गैस है ना, अगर सॉलिड को बाबू सिंपली बाबू डेंसिटी को अगर सिंपली डिफाइन किया जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करें बाबू है ना, शांति समझना, मास पर यूनिट डेंसिटी को डिफाइन अगर करना चाहे बाबू हम लोग मास पर यूनिट वॉल्यूम ये है ना बाबू, मास पर यूनिट क्या वॉल्यूम ये डिफाइन करें है ना, मतलब क्या सर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में बाबू, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास उसका है, जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे कि उसका हाई डेंस है, जैसे मान लो बाबू ये 6x4 का रूम है, 6x4 का रूम है ना ठीक बाबू है ना ठीक, समझना तो 6x4 का रूम है बाबू, तो ये रूम है, ये रूम नहीं मेरे लाल, तो रूम का इसका कुछ वॉल्यूम होगा ना बाबू, लेंथ ब्रेथ हाइट करोगे तो है ना, मान लो 6 फीट लंबा 4 फीट चौड़ा 4 फीट ऊंचाई हो गया है ना, तो इस रूम का बाबू कुछ तो वॉल्यूम होगा ना, रूम मान लो क्यूब शेप का रहेगा, क्यूबाइड शेप का रहेगा, यही दो रहेगा ना मेरे लाल, क्यूब चाहे क्यूबाइड रहेगा है ना ठीक, तो इसका कुछ वॉल्यूम होगा,
तो सारे रूम का बाबू क्या है, वॉल्यूम क्या है, सेम है। सारे रूम का वॉल्यूम क्या है मेरे लाल, सेम है। सारे रूम का वॉल्यूम क्या है, सेम है ना, सेम है। लेकिन बाबू किसमें ज्यादा मास है सर, जिसमें किसमें ज्यादा मास है सर, इसमें ज्यादा मास है सर, इसमें ज्यादा मास है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास है, इसमें स्टूडेंट पास पास है, इसमें स्टूडेंट पास पास है ना। तो सेम वॉल्यूम में बाबू, सेम वॉल्यूम बाबू, जितना जिसका सेम वॉल्यूम बाबू, जिसका जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा मास होगा है ना, जितना ज्यादा मास होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, हाई डेंस कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, डेंसिटी क्या कहेंगे, हाई कहेंगे। तो सॉलिड में बाबू कोई भी चीज सॉलिड उठाओ है ना, सॉलिड उठाए ना बाबू, सॉलिड उठाओ है ना, तो सॉलिड उठाओ बाबू, तो वॉल्यूम दोनों का सेम रखो है ना, सेम रखो ठीक। तो देखना बाबू है ना बाबू, लिक्विड और गैस के रिस्पेक्ट में बाबू है ना बाबू, लिक्विड और बाबू गैस के रिस्पेक्ट में जो इसका मास होगा सॉलिड का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मास बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा है ना, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो डेंसिटी को डिफाइन हम लोग करना रहेगा, तो मैथमेटिकली हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेगा, तो इट इज डिफाइन एज द मास पर यूनिट वैल्यू। कैसे डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वैल्यू है ना, कैसे डिफाइन करेंगे, मास पर यूनिट वैल्यू है ना, मास पर यूनिट वैल्यू ठीक है ना। तो डेंसिटी बराबर लिखना रहेगा ठीक है ना, डेंसिटी बराबर कितना, म्यूट कीजिए बाबू, किसका म्यूट है, म्यूट कीजिए, बताओ सुब बाबू, डेंसिटी, डेंसिटी बराबर अगर लिखना रहेगा सुब बाबू, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऐसा यूनिट डेंसिटी का क्या बनेगा बता दो तो सुब, ऐसा यूनिट क्या बनेगा बाबू, सर मैं बताऊं, नहीं बाबू उसको बता, बताओ सुब बाबू, ऐसा यूनिट क्या बनेगा डेंसिटी का, ये कौन गया बाबू, शिवम है, जल्दी बताए बाबू, शिवानी है, जल्दी बाबू, जल्दी जल्दी सुब, ऐसा यूनिट डेंसिटी का क्या बनेगा बाबू, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, क्या बाबू, बहुत कूटेंगे, क्या सर, किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, केजी ले लीजिए, हाँ बाबू ऐसा यूनिट मास करना, मास को हम लोग ऐसा नापते हैं बाबू, ऐसा यूनिट जो मास का होता है बाबू, मास का जो ऐसा यूनिट होता है ना, ऐसा यूनिट जो मास का होता है बाबू है ना, किलोग्राम में नापेंगे, कैसे नापेंगे सुबह बाबू, किलोग्राम में, बहुत पिटेंगे, ये सब बेसिक कमजोर है ठीक है। और बाबू वॉल्यूम को कैसे नापेंगे, वॉल्यूम बाबू कैसे नापे, मीटर क्यूब में नापेंगे, वॉल्यूम क्या नापेंगे बाबू, मीटर क्यूब में बांटे। अरे बाबू मान लो ये रूम है, रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट होगा ना, जी रूम का लेंथ ब्रेथ है, सॉलिड है बाबू, सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड का बाबू जो वॉल्यूम होगा लीटर में नापते हैं, लिक्विड सब्सटेंस का वॉल्यूम लीटर में, मिलीलीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीलीटर है ना। यहाँ बाबू सॉलिड है तो सॉलिड को हम लोग कैसे वॉल्यूम नापेंगे, मान लो रूम है तो रूम का लेंथ ब्रेथ हाइट होगा तो मीटर 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 क्यूब होगा, मीटर मीटर क्यूब क्या, मीटर 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 क्या होगा, क्यूब क्यूब होगा। सीजीएस मास को हम लोग किसमें नापेंगे, ग्राफ में मान लेंगे, वॉल्यूम को बाबू किसमें नापते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, हाँ सेंटीमीटर क्यूब है ना, सीजीएस सेंटीमीटर हो जाएगा ना ठीक। तो मास को हम लोग किलोग्राम में बाबू, मास को किलो, वॉल्यूम को मीटर में है ना, तो इसका जो ऐसा यूनिट होगा डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ना ठीक बाबू। नेक्स्ट हो है ना, नेक्स्ट पकड़, वीडियो बंद है ना बाबू, उठते हैं ठीक, नेक्स्ट हो, तब हम लोग थोड़ा सा डेंसिटी को डिफाइन कर रहे हैं ठीक है। डेंसिटी क्या होगा सर, डेंसिटी बाबू, डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे, डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाबू इज डिफाइन एज द बाबू मास पर यूनिट वैल्यू, मतलब यूनिट वैल्यू में बाबू किसी भी सब्सटेंस का कितना ज्यादा वो भारी है, मास मतलब कितना, हाँ मास बाबू कितना ज्यादा वह भारी है, जितना कितना ज्यादा वह भारी है ना, भारी है ना। तो डेंसिटी को थोड़ा डिफाइन करना रहेगा है ना बाबू, डिफाइन करना रहेगा, लिखे लिखे बाबू, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाबू, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस The density of substance, Babu, is defined as Aryan. Hey, Aryan, Satan me rakha hai ji. Bahut der se chuncha chuncha. Aryan, video on kijiye, Babu. Ye sab Satan hai, dam. Isko to kootenge, dam. Dil target pe do teen hua hai. Aryan, Sanjana, samajh me aa raha, Babu? Yes, sir. हाँ तो संडे को तैयार रहेगा कुटाने के लिए, अभी चार दिन टाइम है, अब हम नहीं कुछ सुनेंगे, आँख में पानी डाल डाल कर पढ़ना। The density of substance, बाबू, is defined as, बाबू, जितना है सारा कंप्लीट कीजिएगा, डिफाइन एज बाबू मास पर यूनिट वॉल्यूम, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाबू इज डिफाइन एज बाबू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम ठीक। नेक्स्ट बाबू, तो डेंसिटी को अगर फॉर्मूला कैसे बनेगा सर, डेंसिटी बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा, डेंसिटी बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा बाबू, शिवम बाबू, ए शिवम, डेंसिटी को क्या से डिनोट करते हैं सर, यस सर, बाबू थोड़ा कैमरा डाउन कीजिए बाबू, नींद आ रहा है बाबू, नो सर,
हमको तो लग रहा बाबू कितने सिवानी। चलिए डेंसिटी को बाबू, डेंसिटी को कोई ऐसा स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है बाबू, है ना। डेंसिटी बराबर मास अपॉन क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा। मास अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम होगा, है ना। ठीक बाबू, मास का बाबू यूनिट क्या होता है सर, किलोग्राम। मास को क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं। और वॉल्यूम को बाबू मीटर क्यूब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्यूबिक मीटर लिखेंगे, क्यूबिक मीटर लिखेंगे। किलोग्राम को शॉर्ट में हम लोग केजी लिखेंगे, और क्यूबिक मीटर को मीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे, है ना। ठीक, तो जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है, हाई होता है लिक्विड और गैस, है ना। तो ये तो डेंसिटी का बेसिक हो गया। एसआई यूनिट बाबू, यहाँ से क्या लिखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी बाबू, SI unit of density बाबू इज kg per meter cube। नेक्स्ट, अब हम लोग जो एक्चुअल सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़े बाबू, ये तो आपको बेसिक डेंसिटी के बारे में बताएं, हमको तो सॉलिड से मतलब था। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज बाबू हाई, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। आर्यन बाबू, आर्यन ए आर्यन, हाँ बता बाबू, सॉलिड का डेंसिटी हाई क्यों होता है, कहेगा सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है क्यों बाबू, द सॉलिड ऑफ डेंसिटी बाबू हाई क्यों बाबू, क्यों 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 क्यों, ड्यू टू बाबू, क्यों 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 हाई होता है, बताओ आर्यन। अरे आर्यन शैतान भाग गया, नहीं है ये जी, बताए आर्यन बाबू। हाँ बाबू, क्यों बाबू, क्यों आ रही है, सॉलिड का डेंसिटी हाई क्यों होता है, एकदम पहला टारगेट पे आप ही बाबू, मोस्ट वांटेड सर, वो क्लोज होते हैं सर, वेरी क्लोज। हाँ इसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज। हाँ बाबू बोलिए बाबू, क्या बोल रहे हैं सर आप। ड्यू टू बाबू द डेंसिटी, आवाज नहीं सही से आ रहा, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाबू हाई ड्यू टू क्यों सर, क्यों क्यों सर, क्यों सर, है ना बाबू, ड्यू टू बाबू अ स्ट्रॉन्ग, ड्यू टू क्यों हाई होता है सर, तो क्योंकि बाबू इंटरमोल, आवाज ब्रेक हो रहा सर बाबू, ड्यू टू बाबू क्यों हाई होता है सर, तो क्योंकि बाबू इंटरमोलकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होता है ना बाबू, ड्यू टू बाबू है ना, अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलकुलर फोर्सेस, अ स्ट्रॉन्ग, आई बताएं बाबू, सूर्य में बताएं, अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलकुलर फोर्सेस। A strong intermolecular forces, Babu. Okay? And Babu. क्यों सर, क्यों, ये क्यों होता है, डेट इज कहने का मतलब, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलकुलर फोर्सेस क्यों होता है बाबू, क्योंकि बाबू यहाँ पे पार्टिकल क्या होता है बाबू, एक दूसरे से क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं ना बाबू, द पार्टिकल बाबू, द पार्टिकल बाबू, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड, आप पूरा फेयर कंप्लीट करके रखेगा आर्यन, हम नहीं कुछ सुनेंगे, आपको भी समझना, द पार्टिकल ऑफ सॉलिड बाबू और वेरी क्लोजली पैक, और आपका शिवांगी बाबू, शिवांगी यस सर, आप काहे नहीं फेयर कर रहे बाबू सर, मेरा मैथ्स का सर कंप्लीट है और सर केमिस्ट्री का आधा कंप्लीट है सर, आज कर लूंगी पूरे, अभी चेक करते हैं मम्मी से, पैक टुगेदर बाबू इनटू बाबू स्मॉल स्पेस और वॉल्यूम, मैंने आप क्या समझे बाबू, हमको तो सपना में आया था शिवांगी बाबू, है ना, शिवांगी हाँ बाबू, पैक टुगेदर बाबू सर, अब मुझे छुट्टी मिल गया ना सर, वेकेशन हो गया, मैं कंप्लीट कर लूंगी, है ना ये सर, नहीं देख कोई, ठीक है बाबू, हो सकता है कोटा भी आ जाए बाबू, क्या कौन सी बड़ी बात है, लिखे 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 बाबू, रुकी है मेरा इंटरनेट सही है, लिखे लिखे आगे पढ़ते हैं सर, और लिखना है क्या सर, रुकिए सर, नहीं बाबू आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंपल्सिबिलिटी पढ़ेंगे,
सॉलिड में बाबू कोई भी चीज है बाबू उसका एक ही रीजन है क्योंकि बाबू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बस। यही संस्कारी लैंग्वेज में क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो तो बताए ही थे। अस्मिता नहीं दर्शन दीजिएगा बाबू, आनंद बाबू काय वीडियो बंद है, शैतान काय बंद कर, नहीं करेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे। हाँ नहीं तो अभी अभी पापा ही फोन कर देंगे। शैतान गेम खेलता है क्या बाबू, कुछ ये आदत लगा कार्टून वार्टून का कहा? गेम कैसे खेलेंगे? नहीं सर कैसे खेलेगा बच्चा, कैसे गेम खेलता है, इसको मिनिमाइज कीजिए उधर से टक टक चलाइए। नहीं सर अभी पापा के खाते चेक करने के लिए, जल्दी लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा सा इसका चेक कीजिए तो गेम वेम खेलता है क्या, जल्दी लिखो। अस्मिता नहीं दर्शन दीजिएगा बाबू, भोली ए भोली बोली बोली ना बाबू कुछ बोली ना। अस्मिता आज के लिए कैमरा रहने दीजिए सर, कल से दर्शन दूंगी। अच्छी बात है, चलिए ये सब इतना भोला है बाबू, बिहार आएंगे ना ठीक है ना, बहुत भोली सब बच्चे, बाहर नहीं निकलने से ये तो बाबू कि थोड़ा सा ये फ्रैंक नहीं हो पाते हैं, घर में रहने से ये बाहर थोड़ा निकलिएगा ना पता चलेगा बाबू कहाँ कहाँ क्या होता है, चीटिंग होता है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे, हो गया सर चलो ठीक है। नेक्स्ट वो कंपोसिबिलिटी, कंपोसिबिलिटी है ना बाबू, ये सब क्या पढ़ा रहे सर, ये सब बाबू सॉलिड का बाबू ये जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हैं, इसके बाद लिक्विड का प्रॉपर्टी जाएगा, फिर गैस का प्रॉपर्टी जा जाएगा, गैस का प्रॉपर्टी जाएगा सर। सब तो पढ़ाए दिए सर लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, हाँ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा दिया था बाबू, लेकिन ये सब शैतान याद नहीं ना, वो जब तक पूछते थे नहीं बता पाता है, तो उसी समय आपको बोले थे बाबू जो ये सब पढ़ा रहे तो उसमें बाबू वो 6 7 8 9 मिक्स करके पढ़ा दिए थे, अब यहाँ आपको चैप्टर वाइज डिफाइन करना पड़ रहा है, बेसिक बेसिक चीज आपको हम पढ़ा दिए थे ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी खत्म हो गया, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब क्या होता है सर, कंप्रेस करना मतलब क्या होता है बाबू, है ना, ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, कौन नंबर होगा ये प्रॉपर्टी बाबू, थर्ड नंबर सर, फोर्थ होगा, फोर्थ होगा, फोर्थ होगा, ये फोर्थ प्रॉपर्टी होगा कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होगा बाबू, किसी चीज का होगा सर, तीसरा होगा, थर्ड होगा, डेंसिटी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं होता शैतान है ना, कंप्रेसिबिलिटी मतलब वो कंप्रेस करना, कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होगा, कंप्रेस करना, कंप्रेस करना मतलब क्या होता है वो प्रेस करना, कंप्रेस मतलब क्या बाबू है ना, प्रेस करना, प्रेस करना मतलब इधर से भी पुश करो इधर से भी पुश करो है ना, वो दोनों साइड से क्या करो दबा दो, दोनों साइड से क्या करो दबा दो है ना, वो तो इसी को क्या कहेंगे कंप्रेसिबिलिटी कहेंगे ना। तो जो भी सॉलिड है बाबू, जो भी सॉलिड है वो कंप्रेस नहीं होगा, बहुत कंप्रेस नहीं होगा, बहुत लिटिल अमाउंट में कंप्रेस होगा है ना, बहुत लिटिल अमाउंट में क्या होगा कंप्रेस होगा ना, लगभग नहीं के बराबर कम, इसको मान लो कंप्रेस करो ना है ना, नहीं कंप्रेस होगा, नहीं कंप्रेस होगा, क्यों नहीं कंप्रेस होगा सर, क्यों नहीं होगा बाबू, किसी भी चीज को कंप्रेस होने के लिए वो, किसी भी चीज को कंप्रेस होने के लिए वो है ना, किसी भी चीज को कंप्रेस होने के लिए, मान लो बाबू ये कंटेनर है ना, तो सॉलिड का मॉलिक्यूल क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं पास पास होता है ना, एक दूसरे के साथ क्या होता है बाबू पास पास होता है ना, एक दूसरे के क्या होता है पास पास होता है ना बाबू, ठीक यहाँ पे क्या होता है सॉलिड से जो भी बाबू मॉलिक्यूल्स होता है पास पास होता है, यही ना होता है बाबू। अब बाबू यहाँ पे बाबू मॉलिक्यूल के बीच में दबाओगे बाबू तो दबाने के लिए बाबू स्पेस रहेगा, खाली जगह रहेगा तब ना बाबू दबाओगे तो दब जाएगा है ना बाबू, दब जाएगा है ना, तो यहाँ पे बाबू वैकेंट स्पेस कम होता है, वैकेंट स्पेस बाबू क्या कम होता है ना, बहुत कम होता है ना बाबू सॉलिड के बीच में बाबू, या यो भी कह सकते हो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है बाबू वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा होता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण सर मॉलिक्यूलर दूसरे एकदम सटे सटे रहते हैं ना, चिपके चिपके रहते हैं एक दूसरे से ना। जैसे चिपके रहोगे तो इसको आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस नहीं होगा है ना। तो जो भी सॉलिड है वो सॉलिड सब्सटेंस है ना, क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होता है इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल कहने का मतलब उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन बाबू आप लोग ये देखना, मेरे लाल ये देखना आप लोग बाबू, ब्रेड देखना है ना बाबू, ब्रेड देखना ठीक, लोफ देखना, लोफ मतलब क्या होता है बाबू, लोफ मतलब क्या होता है ना बाबू, लोफ मतलब क्या होता है, स्पॉन्ज देखना, ब्रेड का टुकड़ा। हाँ एक ब्रेड बाबू जो हम लोग पाव रोटी खाते हैं, स्लाइस वाला रहता है, स्लाइस बना हुआ रहता है उसको ब्रेड कहते हैं। और एक मुस्लिम ब्रेड वाला खाता है, एक मुस्लिम ब्रेड खाता है ना, वो मोटा मोटा जो बाबू ये सब इसमें होता है, मैंने ईद उद में नहीं बाबू मोटा मोटा खाता है एकदम गोलगाल। अरे शैतान मुस्लिम स्पेशल होता है क्या? हाँ मोटा सा रहता है बाबू, थिकनेस उसका ज्यादा रहेगा, थिकनेस उसका क्या रहेगा ज्यादा रहेगा है ना, ज्यादा रहेगा ना। हाँ पाव भाजी वाला, हाँ इस समय तो बाबू महारत हासिल है। हाँ कौन सा बाबू, शर्मा जी लोफ किसको कहेंगे बाबू, शर्मा जी लोफ किसको कहेंगे बाबू, केक बनाते उसको पता होगा। हाँ बाबू बाबू पाव रोटी मोटा वाला जो केक बनाती है ना शर्मा जी, इसीलिए तो उसी से बर्गर वाला वह देखे। हाँ चलो ठीक है, कुछ कुछ वैसा है ना, है ना बाबू। तो ये जो ब्रेड हो गया वो, चाहे लोफ हो गया वो, चाहे स्पॉन्ज हो गया, इसको दबाओगे बाबू तो दब जाएगा। आखिर ये भी तो सॉलिड होता है सर, ये भी सॉलिड होता है ना, लेकिन सर, इसको प्रेस करो, टीनी पोर्स होता है, है ना बाबू। तो इसको दबाओगे बाबू, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेस हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि बाबू यहाँ ब्रेड में देखना बाबू है ना, तो बीच में बाबू क्या हवा रहता है, बीच में क्या रहता है स्पेस रहता है, वैकेंट क्या रहता है खाली स्थान रहता है ना, है ना वैकेंट क्या रहता है वो खाली स्थान रहता है ना, है ना। टीनी छोटे छोटे क्या होते हैं बाबू, इसमें होल्स होते हैं ना, पोर्स होते हैं उसको, है ना पोर्स होते हैं ना। तो जिसके कारण बाबू यहाँ पे वैकेंट स्थान होता है, उसको प्रेस करोगे क्या होगा, इजिली प्रेस हो जाता है ना, इजिली प्रेस। ठीक है, तो जो भी बाबू, जो भी सॉलिड सब्सटेंस हो इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन ये क्या हो गया, ब्रेड हो गया, लोफ हो गया, ये एक्सेप्शन हो गया, ये क्या हो गया, वो एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि वो जो भी ब्रेड है वो है ना, उसमें वो देखना टीनी टीनी क्या रहे, छोटे छोटे क्या रहे, पोर्स रहेंगे ना, पोर्स है, जिसके कारण क्या होता है कंप्रेस हो जाता है, इजिली कंप्रेस हो जाता है। तो ये बहुत सारा क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया है ना, एक्सेप्शन हो गया ना। तो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है क्या होता है, वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, सॉलिड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल होता है। समझ में आ रहा आर्यन? सर थोड़ा सा ये ना लिखेंगे। हाँ मेरे लाल आर्यन बोले। हाँ सर। हाँ सर, तो तैयार रहिएगा बाबू, बोल दिए अब हम कुछ नहीं सुनेंगे, यही छड़ी ले आएंगे। आप हो, संजना है, उधर से श्रुति सो रही है अभी, है ना, सारे को इसी से पीटते हैं बाबू, पूरा जाता है ये छड़ी, जानते हैं बहुत दूर दूर तक घूम के आया। नेक्स्ट बाबू कंप्रेसिबिलिटी है ना, लिखिए बाबू सॉलिड, बाबू सॉलिड आर, बाबू सॉलिड्स आर बाबू इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड सर बाबू इनकम्प्रेसिबल प्रॉपर्टी है ही नहीं सर, इनकम्प्रेसिबल वो लिखवा। हाँ नेक्स्ट और डेट इज, कहने का मतलब क्या होता है वो, है ना, क्योंकि बाबू इसके वॉल्यूम को, बाबू सॉलिड के वॉल्यूम को ना ही हम घटा सकते ना ही बढ़ा सकते, बाबू कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम घटेगा, है ना बाबू, कंप्रेस करोगे तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम क्या होता है बाबू, घटता बढ़ता नहीं। डेट इज बाबू कहने का मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाबू cannot increase or decrease, by reducing or increasing pressure upon it। इस पे प्रेशर लगा के बाबू ना ही इसके वैल्यू को हम घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं, प्रेशर अपॉन इट, ठीक। क्यों सर क्योंकि बाबू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कारण क्या सर, क्यों नहीं इसके वैल्यू को घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, ड्यू टू बाबू वही कारण है, सॉलिड में एक को तो कारण है बाबू, ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। Thank you.
प्रेशर भी कुछ लिमिट तक देंगे तभी ना, अगर जो ज्यादा प्रेशर देंगे तो भी तो ब्रेक हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा, मान लो मार्कर है इसको सर्टेन से ज्यादा करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना, जब ब्रेक हो जाएगा तो क्रश नहीं होगा। अरे बाबू वही क्रश हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, है ना, स्ट्रांग हो जाएगा। इसका एक्सेप्शन क्या बाबू, है ना, पोरस सॉलिड बाबू, पोरस जो भी पोरस सॉलिड है बाबू, है ना, जैसे ये हो गया ब्रेड हो गया लोफ हो गया, वो सब बाबू क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है, तो इसका एक्सेप्शन हम लोग ऊपर लिखेंगे। सर हो गया ब्रायन ने दीजिए ना, 6 बजे का है प्रखर, गर्मी का छुट्टी है बाबू, सर मुंह तो एक्सेप्शन में नहीं होगा। एमॉर्फस सॉलिड बाबू, अरे बाबू इंपॉर्टेंट, एमॉर्फस सॉलिड जैसे मान लो कांच है, तो कांच को हम लोग क्या कहेंगे, एमॉर्फस, जैसे ये ग्लास है तो ये एमॉर्फस सॉलिड है, तो ये कंप्रेस थोड़ी होगा, वो कंप्रेस थोड़ी होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, जो भी बाबू पोरस सब्सटेंस है जिसमें छिद्र युक्त होता है, है ना, आई ने बाबू की छिद्र में कौन सा, लोहा वाला समझ लेना, लोहा वाला, लोहा में बाबू मान लो जाली ले लो, लोहा का जाली क्या ले लो, लोहा का जाली ले लो, है ना बाबू, लोहा का जाली ले लो, है ना, एकदम स्ट्रॉन्ग लोहा वाला जाली ले लो, ठीक है ना बाबू, तो वहां भी गैप रहेगा तो उसको कंप्रेस नहीं कहेंगे, है ना, कंप्रेसिबल नहीं, ठीक। तो हर एक चीज का बाबू इसका एक्सेप्शन में कौन हो जाएगा, वो एक्सेप्शन में कौन हो जाएगा, वो इसका एक्सेप्शन हो जाएगा पोरस बाबू, जिसमें होल होते हैं ना, टिन्नी होल्स होते हैं, पोरस सॉलिड्स बाबू, लाइक बाबू कैसे सर, लाइक कौन सा बाबू, ब्रेड, ब्रेड बाबू, और ब्रेड बाबू या लोफ, और बाबू और स्पॉन्ज, रसगुल्ला खाए हो जी, रसगुल्ला खाए हो ना बाबू, वो भी देखते बाबू प्रेस करते, आहा कितना बाबू एकदम मजा आता है खाने में, कितना और स्पॉन्ज बाबू, इज इजिली कंप्रेसेबल, ये सब क्या था बाबू, आसानी से कंप्रेस हो जाते हैं, इजिली कंप्रेसेबल। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी सर। हाँ बोलिए सर। सर नंबर लाइन का सर कहाँ पे यूज, नंबर लाइन का बाबू? हाँ सर कहीं पे यूज है। अरे मेरे लाल बचपन में जब 2-3 में बच रहा था बाबू, तो ना उसको नंबर लाइन को बाबू हम लोग नंबर लाइन से एडिशन सिखाते हैं, नंबर लाइन से सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, है ना बाबू, बाकी नंबर लाइन का बाबू इनइक्वालिटी में पढ़ा जाता है, जब इनइक्वालिटी पढ़ाया जाएगा ना तो वहां पे बाबू आपको पढ़ाया जाएगा कि इधर राइट साइड पॉजिटिव होता है, राइट साइड निगेटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव होता है ना, बहुत जगह यूज है मेरे लाल। पर क्या लिखे एक्सेप्शन है मेरे लाल, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में बाबू पोरस सॉलिड, है ना, पोरस सॉलिड बाबू, लाइक ब्रेड हो गया, लोफ हो गया, है ना, स्पॉन्ज हो गया, रसगुल्ला लाइन में है ना सर। हाँ बाबू, कंप्रेसिबिलिटी के बाद ऊपर लिखना एक्सेप्शन, उसके नीचे ये लिखना, ठीक। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फ्लो सर। कितने बजे तक पढ़ाते हैं? सर 6:05। कहीं जाना है क्या किसी को शैतान? नहीं नहीं जाना है तो पढ़ो आराम से, दिक्कत क्या बाबू। नेक्स्ट बाबू फ्लो, फ्लो फ्लो फ्लो, है ना, लिक्विड बाबू फ्लो नहीं करते, लिक्विड बिल्कुल सॉलिड बाबू फ्लो नहीं करते, सॉलिड जहां रखे हुए बाबू वहीं रहेगा, है ना, वो फ्लो नहीं करेगा, वो फ्लो नहीं करे, है ना वो, है ना बाबू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा बाबू, है ना, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बाबू, नेक्स्ट बाबू ये थर्ड होगा, फोर्थ हो गया बाबू, फ्लो, है ना, क्यों नहीं फ्लो करता बाबू, वही बाबू वही कारण है, सॉलिड में बाबू नहीं हो कुछ हो समझ में आएगा तो एक ही को बोल देना, ठीक है ना, एक ही कारण बोल देना, आगे आप लोग बाबू हायर क्लासेस में पढ़ोगे ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट बाबू एक ही को कारण होता है ना, है ना बाबू, तो सॉलिड में बाबू सॉलिड कैन नॉट फ्लो बाबू। हाँ बाबू बस, ए सॉलिड बाबू कैन नॉट फ्लो, सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, है ना बाबू, फ्लो मतलब एक पॉइंट जगह से दूसरे जगह नहीं बह सकता, है ना बाबू, क्यों सर, क्यों सर, है ना, वही कारण है बाबू। हाँ ड्यू टू बाबू, इसी को थोड़ा संस्कार में लिख लेंगे, सारे का एक एक कारण है, ड्यू टू बाबू द पार्टिकल ऑफ सॉलिड बाबू आर सो रिजिड,
रिजिड मतलब क्या था वो, एक दूसरे से कॉम्पैक्ट होता है ना, रिजिड जिसको हम लोग क्या कहते हैं वो, माने क्लोजली रिजिडली हेल्ड, माने रिजिडली मतलब बाबू ये बाबू, माने रिजिडली मतलब क्या समझ सकते हो बाबू, उसको क्या कर सकते हो, रिजिडली हेल्ड बाबू है ना, मतलब एक दूसरे को बहुत सघन सके, क्लोज क्लोज है ना, क्लोज क्लोज है ना, रिजिडली हेल्ड बाबू, डेट डेट बाबू दे आर नॉट फ्री टू स्लीप ओवर वन अनदर आगे बाबू इसका एक दो प्रॉपर्टी जाओ बाबू, ये है आपका एक्सपेंशन और कंप्रेशन है ना, कॉन्ट्रैक्शन, भागा कौन शैतान, धर्मवीर भागा, उसको कूटते हैं अभी और पढ़ाएंगे ना, रहने दे इसका एक्सेप्शन नहीं है बाबू, फ्लो करने का बाबू, सॉलिड बच्चा का वो बताए वो जो सॉलिड फ्लो करता हो, जेल जेल बाबू ने बाबू जेल को रख दोगे तो फ्लो नहीं ना करेगा मेरे लाल, थोड़ा जो भी तो डिस्टेंस कवर करेगा ना सर, जेल सर, ये गम क्या है सर, गोंद लिक्विड वो बाबू, थिक लिक्विड, थिक लिक्विड टाइप्स ऑफ लिक्विड भी होता है ना बाबू, एक मिनट बाबू, एक मिनट थोड़ा सा इसको बंद करते हैं पहले, बाय सर, अरे बाय बाबू भाई, ये बाय बाबू कितना बे ये हो सर, तो आप ही तो बोलेगी खत्म हो गया क्लास, बहुत पीटेंगे, डेढ़ घंटा पढ़ाएंगे तो क्या करोगे सर, कुछ नहीं पढ़ेंगे।